हाय गाइज, आप कैसे हैं? आज मैं आपको मेरे इस जंगल के कुछ ऐसे दुगत वीडियोस की क्लिप दिखाना चाहता हूं जो शायद आप विचलित हो जाओ। ये जो सामने देख रहे हो, ये जो सियार हैं, जैकल्स, इसके कुछ फुटेज लेके आया हूं। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। अब ये ऐसे एनिमल तो है नहीं जिसको पालतू बनाया जा सके या इनको कुछ खिला के हष्ट पुष्ट किया जा सके, लेकिन हाँ, मैं इसका कारण ज़रूर ढूंढ पाया कि ये आखिर इतने कमज़ोर क्यों हैं। क्योंकि पहाड़ी में कई बार मैं कैमरा जूम कर देता हूँ तो मुझे ये दूर नज़र आ जाते हैं घूमते हुए, और उसी के ऊपर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो इस जंगल में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि पानी की कमी होने की वजह से कुछ ऐसे पक्षी या जानवर नहीं रहे जिनका ये शिकारी जानवर शिकार कर सकें और अपना ढंग से जीवन यापन कर सकें। अब ये ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं तो पहले की स्थिति नहीं है कि गांव के आसपास मरे हुए मवेशी आपको मिल जाते थे, नहीं। तो अब इनके लिए सबसे कठिन रास्ता है शिकार करने का। और इस जंगल में, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ, शिकार के लिए अगर बहुतायत से इनको मिलते हैं तो दो चीज़, एक तो पिकॉक्स और एक ये नीलगाय। अब गाइज, नीलगाय का शिकार एक भेड़िया नहीं कर सकता, एक जैकाल नहीं कर सकता, बिल्कुल आप जानते हो इस चीज़ को भी। और पिकॉक का शिकार हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन पिकॉक उड़ने वाला पक्षी है। हाँ, छिपके ये पिकॉक के बच्चों को, जैसे अब इस समय बरसाती मौसम है, अब पिकॉक्स अपने अंडे और बच्चे देने का टाइम आ रहा है, या नृत्य करते हुए पिकॉक को पीछे से भी ये शिकार कर लेते हैं, उसको भी मार देते हैं। तो गाइस, यदि इस जंगल में हर प्रकार के जानवर होंगे तो इनको शिकार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो जानवर हैं नीलगाय, पिकॉक के अलावा, वो भेड़िए के अलावा हाइनाज, जिसे हमारे यहाँ जरख बोलते हैं, या फिर लोमड़ी जो सियार को हमेशा चकमा देने वाला जानवर है, या शाही जिनके बड़े बड़े सूढ़े होते हैं, या फिर एक वो आता है बीजू भी बहुत है हमारे यहाँ, नेवले, इस तरीके जानवर हैं, या फिर छोटी चिड़िया हैं जिनको ये पकड़ने में बहुत कम सफल होते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।